राजीव गांधी की जयंती आज पीएम मोदी, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। कांग्रेस के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने भी वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी पेंगोंग झील के तट पर पिता को श्रद्धांजलि दी। सोनिया के साथ प्रियंका और खड़गे ने भी श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी आज वीरभूमि में पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंची। उनके साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर पीएम मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने केंद्र पर बोला हमला। लद्दाख के पेंगोंग झील के तट पर आयोजित प्रार्थना सभा के बाद राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि चिंता की बात यह है कि चीन में जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चरागाह जमीन छीन ली गई है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि एक इंच भी जमीन नहीं छीनी गई है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार सच नहीं बोल रही है, कोई भी यहां किसी से भी पूछ सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट भी किया है।